पूरा प्राचीन मंदिर, भव्यता अपने आप में समाई हुई है। बालाजी सरकार के दर्शन करिए, आप लाभ उठाते रहिए। देखिए पूरे साक्षात आपके संकट हरने वाले मंदिर हैं। तो आप जब भी छतरपुर में आइए तो इन मंदिरों के दर्शन जरूर करिए। चलिए महाराज से मिलते हैं। महाराज थोड़ी सा अपना परिचय देते हुए तो इस मंदिर के बारे में बताना है। जी महाराज, मेरा नाम भूपेन दीक्षित, मैं यहाँ पर लगभग आज से विगत 9-10 वर्षों से पूजा यानी पुजारी का भार संभाल रहा हूँ। और मंदिर में यह विशेषता है, श्री बालाजी सरकार के श्री चरणों में जो भी भक्त साध एवं असाध कष्टों को लेकर के आते हैं, उनका श्री बालाजी सरकार महाराज की कृपा से उनकी दैविक और भौतिक विपदाओं का निवारण किया जाता है। श्री बालाजी सरकार के चरणों पर आए हुए सभी भक्तों से जो भी भक्त अपनी संकट लेकर आते हैं, वह खुशी होकर के अपने घर जाते हैं। और प्रभु की ऐसी कृपा है, जो भी भक्त श्रद्धा और सच्चे विश्वास से यहाँ पर आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह स्थल सटई रोड बेहर के हनुमान जी मंदिर स्थित है, जो कि पूर्वत में बेहर सरकार या बालाजी सरकार अभी विराजमान हुए हैं लगभग 2008 में। और विगत अपन बेहर जो आपने पूर्वत में देखा है, बेहर के हनुमान जी मंदिर साक्षात उसी में प्रकट हुए थे। यह बेहर राजाओं महाराजाओं के ज़माने की है। पूर्व काल में यह इसका आज से अपन वर्षों का अनुमान तो नहीं लगा सकते, परंतु अपन इतना कह सकते हैं यह बेहर लगभग हजारों वर्ष पुरानियाँ हैं, जो कि राजाओं के ज़माने में ऐसी हुआ करती थी। इनको बाबरी नामक यानी जानवरों और जानवरों के लिए पानी के लिए व्यवस्था राजा लोग किया करते थे। तो ये पूर्व काल में जब इसकी देखरेख नहीं हुई तो ये अपने आप मिट्टी से पुर गई थी पूर्णतः। तो सन 1990 में इसको यहाँ पर आए, आपने देखा होगा, मेरे पूज्यपाद गुरुदेव श्री मणिराम दीक्षित जी, आपने देखा होगा, उन्होंने यहाँ पर आकर के सबसे पहले बेहर की नींव डाली। यहाँ देखा कि यहाँ कुछ नहीं था, जंगल ही जंगल था। तो उन्होंने देखा यह छोटा सा कुआं था, मतलब दिख रहा था मिट्टी से भरा हुआ। उन्होंने देखा और यहाँ से मतलब उन्होंने ऐसा सोचा, उनके मन में विचार आया, भगवान जी की ऐसी प्रेरणा हुई, बेहर सरकार की ऐसी प्रेरणा से उनके मन में एक विचार आया कि यहाँ पर कुआ है। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर मेरे दादाजी सबसे पहले खेती किया करते थे, पास में हमारा खेत है तो खेती किया करते थे इन्होंने पूर्व काल में सबसे पहले। तो उन्होंने अपने सभी भक्तजनों को, जो भी उनके मित्र थे, उन्होंने सबको बुला के बताया और कहा कि यहाँ हम लोग आते हैं, गाय भैंस आती हैं, जानवर आते हैं, तो उनके पानी पीने के लिए यह कुआँ निकाला जाए। उन्होंने सभी ने, आसपास के गांव वालों ने, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने मिलकर के इस बिहार को उगाड़ा। इसी में उगाड़ते वक्त श्री बिहार सरकार प्रकट हुए, जो कि बिहार हनुमान जी के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार इसका है। और बालाजी सरकार की स्थापना सन 2008 में हुई थी। यहाँ पर दैविक और भौतिक कष्टों का निवारण किया जाता है। और यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को श्री बालाजी महाराज का दरबार लगता है। अच्छा जी, रही मंदिर की, और यहाँ पे बहुत सारे चमत्कार भी सुने हैं तो होते रहते हैं, लोगों के कष्ट दूर होते रहते हैं, कि भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम भक्तों से केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी भक्त सांसारिक और मानसिकता पीड़ाओं से ग्रसित है, जो परेशानियों से ग्रसित है, जिसका मन चित्त एकाग्र होकर के प्रभु की शरण में नहीं लगता, वह एक बार बिहार सरकार बालाजी सरकार धाम के चरणों में आए तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और श्री बालाजी सरकार की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर के वह खुशी होकर के अपने घर को जाता है। देखिए जी, रहे बिहार के हनुमान जी, जब भी आप छतरपुर में आई तो आपको करीबन 4-5 किलोमीटर दूर सरी रोड पर आना है। बिहार के हनुमान जी के नाम से फेमस हैं, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो जब भी आप छतरपुर में आई तो दर्शन जरूर करिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और आप देखिए जे पेतराज रहे, देखिए आप महाराज बता रहे हैं इनका दरबार शाम को 7 बजे से लगता है। हाँ, शाम को 7 बजे से दरबार हाँ शुरू हो जाता है, 9 बजे तक चलता है। 9 बजे तक चलता है जी, मतलब रोज, यस, मंगल शनिवार। अच्छा, मंगल शनिवार। और ये भैरव सरकार है। अच्छा जी, भैरव सरकार दिख रहे हैं आप जो, जी भैरव सरकार हैं और बीच में बालाजी सरकार हैं। इनके नाम से पूरा काम होता है, संकट मोचन है ये।
कोरोना काल में इनके नाम से ही कोरोना दूर हो सकता है, तो आप इनसे बिल्कुल जय श्री राम के नारे लगाते चलना है, जरूर सुमनना है और आपकी हर संकट कष्ट यहाँ पे आने से दूर हो जाएंगे, तो आप जरूर आना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और दर्शन का लाभ जरूर लेते रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेते आएंगे। जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री राम।